जय मसीह की। स्वागत है आपका दूसरे थिस्सलुनीकियों के पहले अध्याय के दूसरे दिन के अध्ययन में। मैं आपको याद दिला दूं कि यह पौलुस का दूसरा पत्र है थिस्सलुनीकियों की मंडली को, जो पवित्र शास्त्र में सम्मिलित है। पौलुस ने इस कलीसिया की स्थापना की थी और उनके साथ उसने बस 2-3 सप्ताह ही बिताए थे। उसके जाने के बाद भी यह कलीसिया अपने विश्वास में बढ़ती रही, पर उनके कुछ प्रश्न थे। उनका सबसे बड़ा प्रश्न उनके भविष्य को लेकर था। उन्हें डर था और पौलुस उनको यह पत्र उस डर के बीच में लिख रहा है, प्रोत्साहन देते हुए। पौलुस के पहले पत्र के बाद पौलुस को शायद यह खबर लगी कि अंत को और प्रभु यीशु के दूसरे आगमन को लेकर उनके बीच काफी भ्रामकताएं प्रचलित हो रही हैं, कुछ भ्रामक शिक्षाएं। कुछ लोग पौलुस के नाम से झूठे पत्र लिख रहे थे और यह बता रहे थे कि प्रभु का दिन तो आकर निकल भी चुका है, यीशु का दोबारा आगमन हो भी चुका है, और यह उनको उलझन में डाल रहा होगा क्योंकि पिछले पत्र में ही पौलुस ने उन्हें बताया था कि प्रभु का दोबारा आगमन कैसे होगा। और वे लोग उलझन और संदेह से भरे होकर वो लोग भयभीत थे, और तब पौलुस यह पत्र उनको लिखता है। पहले पत्र के कुछ सप्ताह या महीने बाद ही उन्हें सच्चाई बताने के लिए और प्रोत्साहित करने के लिए। दूसरे थिस्सलुनीकियों के पहले अध्याय के पद 3-4 में हम इस प्रोत्साहन की शुरुआत को देखते हैं। पढ़ता हूं मैं आपके लिए। हे भाइयों, तुम्हारे विषय में हमें हर समय परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, और यह उचित भी है, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास बहुत बढ़ता जाता है और तुम सबका प्रेम आपस में बहुत ही बढ़ता जाता है। यहां तक कि हम आप परमेश्वर की कलीसिया में तुम्हारे विषय में घमंड करते हैं कि जितने उपद्रव और क्लेश तुम सहते हो, उन सब में तुम्हारा धीरज और विश्वास प्रकट होता है। अब इस सप्ताह हम कुछ बाइबल के अध्ययन की विधियां देख रहे हैं, कुछ अलग अलग तरीके से हम बाइबल अध्ययन कर सकते हैं। कल हमने देखा था चरित्र अध्ययन किया था छोटा सा पौलुस के आसपास के लोगों को बारे में, और उसके जीवन में जो आसपास जो लोग हैं इसको लेकर हमने चर्चा की थी। आज मैं आपको बाइबल अध्ययन का एक और तरीका बताने जा रहा हूँ, जिसे कहते हैं शब्द अध्ययन, वर्ड स्टडी। शब्द अध्ययन होता है जहाँ हम शब्दों के असली मतलब को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, हम बाइबल को उसके असली भाषा में नहीं पढ़ रहे हैं, हम अनुवाद पढ़ रहे हैं, और कई बार तो वो अनुवाद भी अनुवाद का अनुवाद होता है, और अनुवाद में अधिकतर शब्दों के असली मतलब कहीं ना कहीं खो जाते हैं। अलग अलग भाषा में शब्दों के मतलब भी अलग अलग होते हैं, इसलिए शब्दों का अध्ययन करना बाइबल का सही मतलब समझने के लिए बहुत ही आवश्यक है। इससे हमें बाइबल में वचन की असली तात्पर्य और भावना समझ में आती है, सही मायने समझ में आते हैं। वो जो परमेश्वर हमें बताना चाहता है, वो नहीं जो मतलब हम खुद ब खुद अनुमान लगाकर निकाल लेते हैं। और आज की तारीख में इसके लिए किताबें भी खरीदने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंटरनेट का जमाना है, आप आराम से खुद आप शब्द अध्ययन कर सकते हैं इंटरनेट की सहायता से। और आज मैं आपको ये सिखाने वाला हूं, आज मैं आपको दूसरे थिस्सलुनीकियों के 1:3-4 में से 3 शब्दों का छोटा सा अध्ययन करूंगा। पहले हम देखते हैं 3 को। पौलुस कहता है, हे भाइयों, तुम्हारे विषय में हमें हर समय परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, और यह उचित भी है, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास बहुत बढ़ता जाता है और तुम सबका प्रेम आपस में बहुत ही बढ़ता जाता है। यहां पौलुस धन्यवाद दे रहा है, किस लिए धन्यवाद दे रहा है, क्योंकि किसी का विश्वास बढ़ता जा रहा है, प्रेम बढ़ता जा रहा है। आगे 4 में, तुम धीरज के साथ उपद्रव और क्लेश को सहन करते हो। अब विश्वास का मतलब क्या है? अंग्रेजी में 2 शब्द हैं, फेथ और बिलीफ। दोनों का अनुवाद हिंदी में विश्वासी होता है, पर इन दोनों का मतलब एक नहीं है, अलग अलग है। यहां पर विश्वास का अर्थ क्या है? तो हम गूगल में जाते हैं। अब देखिए, गूगल में हम गए और सर्च करते हैं, सर्च में हम लिखेंगे 2 थिस्सलुनीकियों। अब 2 थेस भी से THESS शॉर्ट में लिख लिया, छोटे में लिख लिया हमने, और फिर हम जो पद देख रहे हैं उसको लिखा हूं। तो हमने पहले अध्याय का 3रा पद हम देख रहे हैं, तो हमने यहाँ पे टाइप कर दिया, और उसके बाद हम टाइप करेंगे इंटरलीनियर। इंटरलीनियर लिखना बहुत जरूरी है, इसका मतलब है हम इस पद को इसकी असली भाषा में भी देखना चाहते हैं। और ये जो ऊपर में BibleHub.com दिख रहा है,
इस पे हम क्लिक करेंगे। और यहाँ अंग्रेजी में और ग्रीक भाषा यानी यूनानी भाषा जिसमें नए नियम असली में लिखा गया था वो दोनों आ गए। और अब हम फेथ जो शब्द है, फेथ के ऊपर विश्वास का अंग्रेजी फेथ के ऊपर जो यहाँ अंक दिया हुआ है उस अंक पे हम क्लिक करते हैं और इस शब्द के बारे में इसका मतलब हम विस्तृत इसकी जानकारी हमें मिल जाएगी। यूनानी में विश्वास के लिए जो शब्द यहाँ पे है वो है पिस्तिस, जिसका मतलब होता है वो विश्वास जो परमेश्वर की ओर से है, उसका वरदान है। और इस तरह से यह इंसानी विश्वास से बढ़कर है, अलग है। मतलब मैं विश्वास में बढ़ रहा हूँ, अगर आप विश्वास में बढ़ रहे हैं इसका अर्थ यह नहीं है कि मैं कुछ कर रहा हूँ या आप कुछ कर रहे हैं। परमेश्वर पर अगर मैं विश्वास कर रहा हूँ, यीशु मसीह पर भरोसा है, तो यह परमेश्वर की ओर से है, उसका अनुग्रह है, उसका वरदान है। और इसलिए मेरे विश्वास के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देने की आवश्यकता है। इसलिए थिसलोनियों की मंडली विश्वास में बढ़ रही है, तो इसके लिए पौलुस उनकी प्रशंसा नहीं कर रहा, उनकी तारीफ नहीं कर रहा कि बहुत बढ़िया विश्वास कर रहे हो, नहीं, वो परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा है। तो आप विश्वास कर रहे हो, इस बात पर भी आप घमंड नहीं कर सकते, क्योंकि आपका विश्वास आपको दिया गया परमेश्वर का अनुदान है। देखा आपने एक शब्द का असली मतलब वास्तविक भाषा में समझने से किस तरह से इस पद का उसकी समझ और अधिक बेहतर हो गई। परमेश्वर का धन्यवाद क्योंकि तुम्हारा विश्वास बढ़ता जा रहा है। और फिर पौलुस कहता है परमेश्वर का धन्यवाद क्योंकि तुम सबका प्रेम आपस में बहुत ही बढ़ता जा रहा है। अब यह शब्द प्रेम अंग्रेजी में लव, ये बहुत ही सस्ता और आम सा शब्द हो गया है और इस शब्द की कोई गरिमा ही नहीं रह गई है। आमतौर पर हम प्रेम को, प्यार को केवल एक भावना समझते हैं और प्रेम भावना है भी, पर जिस शब्द का यहाँ पे उपयोग हुआ है यूनानी भाषा में अगापे, जिस शब्द का उपयोग नए नियम में अधिकतर हुआ है वो भावना नहीं है। यूनानी भाषा में प्रेम के, लव के चार अलग अलग शब्द हैं जिसका अलग अलग मतलब है। एक है स्टोरगे, स्टोरगे जो प्रेम एक संप्रदाय में, कम्युनिटी के अंदर, संगति के अंदर होता है एक दूसरे से, उसको बोलते हैं स्टोरगे। दूसरा होता है एरोस, एरोस का मतलब है शारीरिक प्रेम, शारीरिक प्रेम, एक आकर्षण, जिसे अंग्रेजी में शब्द एरोटिक आया है। और तीसरा प्रेम है फिलियो, फिलियो है भावनात्मक प्रेम, जिसको हम आमतौर पर समझते हैं भावनात्मक, दिल को लगता है कि हाँ प्यार करने का मन कर, प्यार होता है। पर जिस शब्द का उपयोग यहां पर हुआ है उसका वो है अगापे, अगापे जिसका मतलब होता है बिना शर्त का प्रेम, वो प्रेम जो बलिदान के साथ होता है, निस्वार्थ प्रेम, प्रेम जो अपना नहीं दूसरे का सोचता है, प्रेम जो दूसरे का सबसे उत्तम सोचता है। अगापे प्रेम वो है ईश्वरीय प्रेम, जो एक केवल भावना नहीं है, वो भावना है ही नहीं, वो तो निर्णय है, प्रेम करने का निर्णय, वो प्रेम जो सामने वाला क्या कर रहा है उस पर निर्भर नहीं करता, वह प्रेम है जो प्रेम करते रहने का आप एक निर्णय लेते हो उस पर निर्भर करता, आपके निर्णय पर निर्भर करता है। ये वही प्रेम है जो परमेश्वर ने इस जगत से किया, जो हमको यूहन्ना 3:16 में मिलता है, ये वो प्रेम है जो यीशु ने अपने कलीसिया से किया। और इसी प्रेम की बात पौलुस कर रहा है, ऐसा ही प्रेम थिसलोनियों के मंडली में बढ़ रहा है। क्या आप ऐसा प्रेम कर सकते हैं? मैं कर सकता हूं। एक ऐसा प्रेम परमेश्वर की ओर से ही हो सकता है, उसके अनुग्रह से ही हो सकता है। और इसलिए पौलुस ऐसे प्रेम के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा है। यह प्रेम जो दूसरों का अच्छा करने के लिए आपको बाध्य करता है, आपसे सेवा करवाता है, चाहे जिसकी आप सेवा कर रहे हैं, जिससे आप प्रेम कर रहे हैं, वही आपका विरोध करता है, आपका उत्पीड़न करता है, कष्ट देता है, दुख देता है। यह प्रेम भी आप खुद से अपनी चेष्टा से नहीं कर सकते, अपनी खुद की भलाई से नहीं कर सकते, केवल परमेश्वर ही है जो आपके अंदर इस तरह का प्रेम, इस तरह का निर्णय वाला प्रेम पैदा कर सकता है और उसमें आप बढ़ सकते हैं। उसके बाद पौलुस पद 4 में कहता है, यहां तक कि हम आप परमेश्वर की कलीसिया में तुम्हारे विषय में घमंड करते हैं कि जितने उपद्रव क्लेश तुम सहते हो
उन सब में तुम्हारा धीरज और विश्वास प्रकट होता है। उपद्रव और क्लेश। अब इस शब्द को समझने के लिए हमें यूनानी भाषा के शब्दों को देखने की जरूरत नहीं है। अगर आप यीशु विश्वासी हैं तो इन शब्दों का अर्थ आप भली भांति समझते होंगे। आप इस संसार में रह रहे हैं और आप यीशु के विश्वासी हैं तो कुछ खास तरह के कष्ट आपके जीवन में तो आएंगे। एक मसीही जीवन की सच्चाई यह नहीं है कि आपको मुश्किलों से छुटकारा मिल जाएगा, जैसा कुछ लोग सिखाते हैं, परंतु आप उस शक्ति को समझने लगते हो जो आपको इस उपद्रव और कष्टों को सहन करने की सामर्थ्य देती है। यीशु में विश्वास कष्टों से छुटकारा नहीं पर उन्हें सहने की ताकत है, और वो ताकत आती है उस विशेष गुण से जिसे यहाँ धीरज कहा गया है। मेरे हिसाब से यहाँ भी सटीक अनुवाद नहीं है। नए नियम में यूनानी भाषा में धीरज या धैर्य उसके लिए जो शब्द होता है वो है माक्रोथुमिया, जो गलातियों 5:22 में है। आत्मा के फल के संदर्भ में आत्मा के फल प्रेम, शांति, धीरज आदि। यहाँ पर दूसरे थिसलुनियों की 1:4 में जो शब्द है वो माक्रोथुमिया नहीं है, पर जो शब्द लिखा है वो है हुपोमोने। हुपोमोने को अगर अंग्रेजी में समझा जाए तो इसका अर्थ होता है स्टेडफास्ट एंड्योरेंस या परसीवेरेंस विद पेशेंस, यानी दृढ़ता और धीरज के साथ सहनशील रहना। इस शब्द का जोर धीरज पर नहीं है, सहनशीलता पर। पर सहनशीलता का अर्थ यह नहीं है कि एक निष्क्रिय स्वीकृति वाली सहनशीलता कि हाय मैं तो बेचारा हूं, मुझे तो सहन करना ही पड़ेगा। ये दृढ़ विश्वास के साथ कि मैं शायद परिस्थितियों को बदल नहीं सकता पर तब भी परमेश्वर मैं जानता हूं काम कर रहा है। तो पौलुस कह रहा है कि तुम उपद्रव और कष्ट सहन कर रहे हो क्योंकि तुम्हें धीरजवंत दृढ़ सहनशीलता है। इस सहनशीलता के पीछे विश्वास है, उसके पीछे आशा होती है। इस तरह की सहनशीलता भी हमारी खुद की कोशिशों से नहीं आती परंतु परमेश्वर ने जो आशा हमें यीशु मसीह में दी है उसी से आती है। पहले थिसलुनीके की शुरुआत में भी पौलुस ने इन तीन शब्दों का उल्लेख किया था, विश्वास, प्रेम और आशा, और बाइबल में ये तीनों शब्द एक साथ कई बार आते हैं। और दूसरे थिसलुनीके की शुरुआत में भी यही तीनों, विश्वास, प्रेम और धीरजवंत दृढ़ सहनशीलता जो आशा सोचती है, क्योंकि यही तीनों, विश्वास, प्रेम और आशा, मसीही जीवन के स्तंभ हैं। और यह तीनों परमेश्वर के ही यीशु मसीह में दिए हुए वरदान है, उसके अनुग्रह है। और जैसे कि पौलुस थिसलुनीके की मंडलियों के लिए इन तीनों के लिए धन्यवाद दे रहा है, हमें भी निरंतर देना चाहिए। अगर हम तीनों में बढ़ रहे हैं तो अपने लिए परमेश्वर प्रभु का धन्यवाद दीजिए। अगर किसी और को इन तीनों में बढ़ते हुए देख रहे हैं तो उसके लिए धन्यवाद दीजिए, क्योंकि आप जब दूसरों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं तो आपके जीवन में भी वही होने लगता है जो उनके साथ हो रहा है। तो आज प्रार्थना में हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। कौन है जिसको आप देख रहे हो विश्वास में बढ़ते हुए, प्रेम में बढ़ते हुए, धीरजवंत, दृढ़, आशावान, सहनशीलता में बढ़ते हुए? जो भी आपके दिमाग में आता है उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। अगर आप खुद हैं तो अपने लिए धन्यवाद दीजिए। आइए मिलकर धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता कि तूने आज हमें सिखाया कि कैसे हम शब्दों की गहराई को और समझते हैं और उससे हमें तेरा वचन और अधिक समझ में आता है। आज तूने हमें विश्वास के बारे में बताया, प्रेम के बारे में बताया, सहनशीलता का मतलब समझाया, और हम चाहते हैं कि तीनों में हम और बढ़ते जाएं। कौन है जो इन तीनों में बढ़ रहा है, हमारे कलीसिया में या फिर किसी और विश्वासी के मंडली में? हम उन सब के लिए तेरे को धन्यवाद देना चाहते हैं। तीनों तेरी वरदान के स्वरूप ही प्राप्त होते हैं। तेरे अनुग्रह के बिना हम विश्वास नहीं कर सकते, हम वो निस्वार्थ शर्त के बिना बलिदान वाला प्रेम नहीं कर सकते तेरे बिना, तेरे अनुग्रह के बिना, तेरे अनुग्रह के बिना, तेरी आशा के बिना हम हमारे जीवन में जो दुख है, कष्ट है, क्लेश है, उत्पीड़न, उसे नहीं सह सकते। इन सब के लिए हमें तेरी आवश्यकता है और इन सब में तू हमें बढ़ा रहा है, इसके लिए तेरे धन्यवाद देते हैं। यीशु और पवित्र, यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन।
कल हम दूसरे थिस्सलुनीकियों क्योंकि पहले अध्याय के अध्ययन को जारी रखेंगे, पद 4-7 को देखेंगे। तब तक के लिए अपने भाई विवेक को आज्ञा दीजिए, परमेश्वर की महिमा हो।